my most humble and loving pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Baba, and Sai Ram to all of you. It was wonderful connecting with all of you, and thank you for taking me back into those beautiful times, beautiful moments that I had an opportunity to spend with Swami. And you're continuing to do that today. So, kal humne aap se share kiya tha ki hum kis tarike se utar parti pahunche. Aur Swami ne humko har function mein aane ke liye kaha. We started with Ugadi aur birthday par. Pehle saal ki Ugadi aur birthday to humne kari. Lekin beech ke Guru Purnima reh gayi. So today I'm going to start with that Guru Purnima. That 1 year was so important, it laid the foundation for our years to come. So Guru Purnima par mere dimag mein hamesha ye rehta tha ki Gita main bahut padhti thi, lekin ye rehta tha ki Arjun was very fortunate to have Krishna as his sarathi. Isliye wo Arjun tha, agar hamare liye hamara koi Krishna aayega tab hum bhi Arjun ban sakte hain. Now, on the Guru Purnima discourse, Swami said, in the middle of his discourse, I am your Sarathi and you are all my Arjunas. So, wo to discourse ke flow mein unhone ye baat kahi, lekin this sentence rang a bell in my mind. Aur mujhe laga ki kahin na kahin ye mere thoughts se connected. Then, agle din Swami ne हमें बुला लिया और जैसे हम अंदर बैठे स्वामी कमरे में आए, उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया, अपनी कुर्सी तक पहुंच करके बोले कि सो हाउ डिड यू लाइक द डिस्कोर्स यस्टरडे. स्वामी वाज ब्यूटीफुल. आर वी रियली योर अर्जुनास एंड यू आर आर सारथी. Are you my Sarathi? So Swami looked and he said, haan magar tum hame kar ki chabi nahi deta. Kar ki chabi, Swami, gari to aapki hai. To chabi bhi aapke paas hai, hamare paas kahan chabi hai. Ye bhi theek hai. Lekin phir tum usme petrol kam dalta hai. Swami, petrol bhi aap hi dalte ho. You are the owner of the car. हम तो आई एम ओनली अ पैसेंजर. तो एकदम से स्वामी वेंट ऑफ ऑन अ टेंशन और उन्होंने कहा कि यू नो महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में कौरव और पांडव आर्मीज एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी थी और अर्जुन को डिप्रेशन और उसने कृष्णा से कहा कि मैं I will not fight. अब स्वामी जी को तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई. वो उन्होंने सोचा कि ये अर्जुन इस वक्त डिप्रेशन में आके मेरा सारा प्लानिंग चौपट कर देगा. तो हाँ ब्रदर इन लॉ, ये टाइम डिप्रेशन का नहीं है. यू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से. तो 15 chapters tak unko Swami was referring to himself as Sai, but Krishna was supposed to be there. So he said, Sai, Swami ji ne Gita bolna shuru kiya. Jab 15 chapter ho gaya to laga ki isne theek se suna hai ki nahi, isko test karna chahiye. तो अर्जुन से बोले ब्रदर इन लॉ लेट्स गो फॉर अ वॉक. तो ब्रदर इन लॉ क्यों बोले, क्योंकि द्रौपदी को तो वो अपनी बहन समझते थे, उसको सुभद्रा तो उनकी बहन थी ही, तो वो उनके सिस्टर के हस्बैंड थे. तो उन्होंने कहा कि ब्रदर इन लॉ लेट्स गो फॉर अ वॉक और दोनों ने चलना शुरू किया. सडनली कृष्णा स्टॉप्ड एंड asked Arjuna, Arjun, look
वॉट अ ब्यूटिफुल ट्री, सच लवली ग्रीन शाइनी फॉलेज. स्वामी इट इज सो ग्रीन, सो लश, इट इज ब्यूटिफुल. स्वामी देखो उस पर पिजन बैठा है, कितना सुंदर उसका ग्रे फेदर्स होता. यस यस स्वामी, लाइक ग्रे सिल्क, शाइनी लाइक ग्रे सिल्क. लेकिन अर्जुन, ये मुझको पिजन नहीं लगता, ये तो पीकॉक है. यस यस स्वामी, लुक एट इट्स ब्यूटिफुल ब्लू टेल, इट्स सो लवली, लुक एट द क्राउन ऑन हिज हेड, ही सच अ लवली पीकॉक. नहीं अर्जुन, ये तो क्रो है. अर्जुन पुट बोथ हिज हैंड्स ऑन हिज इयर्स. ओह यस, इट्स ब्लैक एंड इट्स वॉइस इज सो हार्श, इट इज हर्टिंग माय इयर्स. स्वामी जी लुक्ड एट अर्जुन, ही सेड, पागल, तुम्हारा अपना बुद्धि नहीं होता, जो स्वामी जी बोलता है उसको तुम यस 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 करता है. तो अर्जुन बोला, स्वामी मैं तुमसे कैसे बुद्धि लगाऊंगा, तुम बोलोगे, तुम जहां ट्री नहीं है वहां तुम ट्री बना दोगे, जहां पिजन है तुम पिजन कहोगे तो पिजन बन जाएगा, तुम पीकॉक कहोगे तो पीकॉक बन जाएगा, तुम क्रो कहोगे तो वो क्रो बन जाएगा. तो मेरी सिक्योरिटी और सेफ्टी इसी में है कि जो तुम कहो वही सत्य है और उसके आगे कुछ मैटर नहीं करता. लेकिन देन ही टर्न टू मी एंड सेड, अर्जुन ने पेड़ को देखा, पेड़ वॉज नॉट देयर बट अर्जुन सॉ द ट्री. द पिजन वॉज नॉट देयर बट अर्जुन सॉ द पिजन. द पीकॉक वॉज नॉट देयर, अर्जुन सॉ द पीकॉक. द क्रो वॉज नॉट देयर बट अर्जुन सॉ द क्रो. हिज इनफिनाइट ट्रस्ट एंड सरेंडर टू स्वामीज वर्ड्स वेयर दैट कंप्लीट. व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ टोटल सरेंडर, देन यस आई एम योर साथी एंड यू आर माई अर्जुन. That is how he explained what total surrender is. कि इतना इतना होता है सरेंडर में कि जो मैं बोलूं तुमको वही दिखाई देने लगे, वैसे ही तुम अपने चारों तरफ उस फीलिंग में चले जाओ. लेटर ऑन दिस थिंग ऑन सरेंडर कंटिन्यूड. तो स्वामी से हमने पूछा, हमने कहा स्वामी सरेंडर की बात होती है लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमने सरेंडर किया है कि नहीं. तो स्वामी बोले, सरेंडर इज अ फीलिंग विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस, कैन नॉट बी डिफाइंड, नो वर्ड्स कैन डिफाइन. तुमने कहा बट फिर देन स्वामी हाउ डज वन एक्सपीरियंस सरेंडर. ही सेड, सरेंडर का अल्टीमेट एक्सपीरियंस यही है टू रियलाइज कौन किसको सरेंडर करे. नाउ अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स, बिकॉज द वेदा सेज देयर इज ओनली वन, नन अदर. एको हम द्वितीयो नास. कौन है सरेंडर करने वाला और कौन है जिसको सरेंडर किया जाएगा, ये डुअलिज्म है. सरेंडर में डुअलिटी खत्म हो जाए, यू बिकम वन with yourself. तो self में और जीव में कोई फर्क नहीं है. It is only a question of how you are feeling. तुम duality में रहोगे तो तुम्हें दो दिखाई देगी. जितना जितना तुम duality surrender करते जाओगे उतना उतना तुम oneness में पहुंचते जाओ. So that is how we explain surrender. This was our Guru Purnima with Swami. And I think if for the very first Guru Purnima, it was a very profound lesson that we took from. Then the same time, he created, in our room, there was Brigadier Puri
Dr. Singh from Edinburgh and some other people, and we were sitting and in a kind of a study circle. तो ये बात हो रही थी कि स्वामी के पास नियरर पहुंचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, व्हाट शुड वन डू। और क्योंकि हम लोग को स्वामी ने बहुत लोगों से मिलाया, बहुत लोगों की बातें हमें सुनने को मिली, चाहे वो आइजैक टिकरेट हो, चाहे गोल्डस्टीन उनकी वाइफ हो, चाहे डॉक्टर कानो मिसेस कानो हो, आल ड्रकर थे, सो देयर वाज नोबडी जिसको कि स्वामी ने हमारे कमरे में भेजा नहीं और उनसे हमको सुनवाया नहीं उनके एक्सपीरियंसेस, जिन्होंने वो लाइफ इज अ गेम प्लेड, जिन्होंने जॉय थॉमस उनसे भी मिलवाया। सो बेसिकली एक जिन्होंने अन्यत शरणम नास्ती लिखा, विजया हु लिव्स इन व्हाइटफील्ड बैंगलोर एंड हैज नोन स्वामी फ्रॉम हर चाइल्डहुड, हर ओन फैमिली, she came to our room many times and narrating her experiences. Jaise swami humko, he wanted to get it drilled into our head in a short time. He wanted us to get as much as possible from him. So he organized it in such a way ki hame har taraf se sunne ko mil raha tha. Usme Brigadier Puri ne kaha कि भाई ऐसा है कि स्वामी गायत्री पर बहुत स्ट्रेस देते हैं और गायत्री मंत्र जो है वो बहुत पावरफुल मंत्र है, गायत्री करना चाहिए। अब गायत्री हम तो करते थे रेगुलरली, हमें माला थी हमारे हाथ में, हम गायत्री करते थे। स्वामी ने बुलाया और स्वामी ने बुलाया तो उन्होंने मेरी माला देखी, कहा ओ जप करता स्वामी, अच्छा। तो उन्होंने क्रिस्टल की जप माला क्रिएट करके मेरे गले में डाल और गले में डाल के ठीक है, अब गले में तो डाल दी कि जप माला है, लेकिन हम तो गायत्री मंत्र भूल गए। हम इतना कोशिश करें गायत्री मंत्र याद करने की जो कि हम बराबर करते थे, बट आई फॉरगॉट द गायत्री मंत्र। और साई राम साई राम साई राम होता रहा। अब साई राम के किस्सा ये हुआ कि हम साई राम लिखते भी थे, साई राम जपते भी थे, ओम श्री साई राम ओम श्री साई राम। तो एक दिन हम दर्शन में बैठे थे, दर्शन लाइन में, एज आई सेड कि बालू होती थी और आर्चेस के प्लेटफॉर्म्स होते थे, हम वहां बैठते थे और पाम ट्रीज होते थे। दर्शन का टाइम हो गया था, हम लोग अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। एक ओल्ड लेडी आई और बहुत टैटर्स में थी और शी वॉज नॉट वेरी क्लीन लुकिंग ऑल्सो, और जो सेवा दल था उसको फर्दर डाउन मूव कर रही थी, लेकिन स्वामी आने वाले हो रहे थे। तो मैं खिसक के मैंने उस सेवा दल को कहा अब इनको यहीं बैठ जाने दीजिए, इतना टाइम नहीं है, स्वामी आने वाले। तो खैर वो बैठ गई, दुबली पतली और वो थी। तो एनीवे हम अपना साई राम ओम श्री साई राम लिखते रहे। Suddenly she patted me on my knee and she pointed to that and she said, haath se nahi, not. So I looked at her, kya? Then she took my pen in her hand aur unhone apne palm mein om banaya aur om banaya aur usko point karke dikhaya ki om mein jo back hai wo bhi upar ki taraf jata hai, jo niche ki line hai om ki wo bhi upar jati hai, जो ऊपर चंद्रमा बनता है उसके भी दोनों पॉइंट ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं, लेकिन हम ओम लिख रहे थे हिंदी अल्फाबेट के ऊ की तरीके से, इन विच नीचे जाता था ओम बैक ओम। तो फिर हमने उनकी तरह लिख करके दिखाया, देन शी सेड हाँ ये ठीक है, आई मीन शी एक्सप्रेस सैटिस्फेक्शन, ठीक है। अब मंदिर में भजन का टाइम हो रहा था, लेकिन स्वामी ने तो हम लोग को बुला लिया। अब हम चले अंदर, चले गए अंदर, चले गए और बैठे बैठे एकदम स्वामी ने एक ओवल गोल्ड की रिंग मेटीरियलाइज करी जिसपे ओम बना हुआ था। एंड एग्जैक्टली और उसमें एक और बात थी, उसका जो ओम का बैक था, पेन था, इट
वॉज लाइक अ ओवल सर्कल, उसका कोई पॉइंट ही नहीं था उसमें, उससे वो राउंड ओवल ऐसा उसमें अटैच में। एनीवे जब सोनी ने हमको वो रिंग दी तो मुझे लगा कि ये गोल्ड रिंग का मैं क्या करूंगी, मुझे गोल्ड रिंग, मुझे रिंग विंग का कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो मैं स्वामी को देखने लगी तो स्वामी ने कहा ओम होता माँ, और फिर मेरी हाथ अपने हाथ में लेकर के उन्होंने वो रिंग पहना दी। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं लूंगी स्वामी, आपको उनके साथ मुझे एक्सेप्ट करना होगा तब मैं रिंग लूंगी। तो स्वामी थे, उन्होंने गाना शुरू किया, पायो जी मैंने राम रतन पायो, एंड देन ही स्ट्रेट अवे वेंट टू वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन पायो, एंड ही पुट द रिंग ऑन माय फिंगर। आई मीन सच अ सेंस ऑफ ब्लिस एंड हैप्पीनेस ओवरकेम मी कि मुझे लगा कि आज मेरी जर्नी अपने गोल तक पहुंच गई है, कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई है भगवान की, दैट आई हैव बीन एक्सेप्टेड। तो बहुत अच्छा लगा सुन करके, और उस रिंग के साथ इतने इतने भगवान ने तमाशे खेले, हर 2-3 महीने पे वो रिंग गायब हो जाती थी फिंगर से। अब हम उसको ढूंढते फिरते थे सारे, उसमें कहाँ गिरी, क्या गिरी, कहाँ गई, कैसे गई, और स्वामी देख करके कहते वेयर इज माई रिंग सर, और मैं कहती स्वामी आपके पास है, बिकॉज मुझे तो यही कहा गया है कि आपकी दी हुई चीज अगर नहीं मिल रही है तो आपके पास वापस चली जाती है। स्वामी सर नो, इट इज नॉट विथ मी। तो केयरलेस केयरलेस, अब मैं सारे में ढूंढ, और वो इतनी ऐसी जगहों पर वो रिंग मिलती थी जहां पे उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती थी मिलने की, लेकिन वो रिंग मिल जाती थी। अल्टीमेटली वन डे इट डिसअपीयर्ड। उसी बीच में उन्होंने मुझे एक रिंग दी अलग, जिसमें कि वो सिल्वर रिंग थी, उसमें गोल्ड से स्वामी का इम्प्रेशन था, इट वाज दिस रिंग। तो उन्होंने ये पहना दी, तो खैर ठीक है, अब चलता रहा थोड़े दिन ऐसे। तो गुरु पूर्णिमा निकल गई, बर्थडे का मैं आपको बता चुकी हूँ कि बर्थडे पर हमारे साथ क्या हुआ। ऐसे ही समय निकलता रहा, और ये होता था कि स्वामी हमें बुलाते थे और हम लोग का ग्रुप, हम लोग बाहर भागते थे, और बाहर गोपुरम गेट के आगे जो सीधे विलेज को सड़क जाती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर पोस्ट ऑफिस होता था फर्स्ट फ्लोर पर, हम उसमें भाग के जाते थे, स्वामी को थैंक यू का टेलीग्राम भेजते थे, और फिर वहां से जाके गणेश गेट से नारियल खरीदते थे और गणेश जी को थैंक यू का नारियल फोड़ते थे, और फिर वो जो पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जो बिल्कुल पूर्ण चंद्रा के सामने होता था, तो हम वहां जाकर के जॉय आइसक्रीम की वहां पर शॉप थी, हम वहां से अभी भी याद है कि हम रास्पबेरी डुएट खाया करते, इतने ऐसा लगता था कि हम अपने पेरेंट्स के घर में, हम अपने माँ बाप के घर में हैं, यहाँ हम बिल्कुल फ्री हैं, हमें कहने वाला कोई नहीं, पूरी आजादी, ये तो हमारा अपना घर। तो ऐसे हमारा खेल होता रहता था, और स्वामी हर बार बुलाते और कहते क्या करता माँ, इधर से जाता साईं को टेलीग्राम भेजता और गणेशा पे जाके ठक ठक करता है और फिर जाके आइसक्रीम खाता है। तो हम लोग हंसते थे, आई मीन इस तरीके से कि स्वामी वाज टेलिंग अस कि हम तुम्हारे साथ एवरी मोमेंट, वॉट यू आर डूइंग यू आर अंडर माई आईज, आई एम वॉचिंग वॉट एवर यू आर डूइंग। एंड तो हमको और भी अच्छा डर नहीं लगता था, बस ये डर लगता था एक ही बात से कि स्वामी के कान में हमारी कोई शिकायत ना पहुंचे कभी ऑफ मिसबिहेवियर। तो ये था कि ऐसे हमारा वक्त वहां कट रहा था। तो उस वक्त यजुर मंदिर और वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, प्लेन मैदान था टोटा चंद्रा के साथ में, उसपे स्तूपा था और बालू थी ग्राउंड पे, तो उसको क्रॉस करके हम अपनी बिल्डिंग में जाते थे। तो स्तूपा के पास एक परमानेंट वॉलंटियर थी, रेखा दीदी उनका नाम था,
उन्होंने हमको पकड़ लिया और हमारे हाथ में आइसक्रीम थी, रेस्पिरेटर खा रहे थे। तो उन्होंने कहा, बड़ा बड़ा आनंद, इतना इतना सुबह शाम इंटरव्यू, इतना ग्रेस, इतना ग्रेस। लेकिन ये मालूम नहीं कि ये नटवर लाल होता, जितना इजीली ग्रेस मिलता उतने इजीली ग्रेस हाथ से निकल जाता। कस के पकड़ो इसको। और फिर उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि भाई दर्शन लाइन में एक ओल्ड लेडी बैठती थी और स्वामी दर्शन में उसके पास रुकते जरूर थे और उससे पूछते, माँ व्हाट डू यू वांट? वो कहते, स्वामी योर ग्रेस, स्वामी योर कृपा। और स्वामी फ्राउन करते थे और चले जाते। तीसरे बार जब ये हुआ तो स्वामी ने फ्राउनिंगली उससे कहा, क्या हर समय ग्रेस ग्रेस कृपा कृपा करता, इसका मीनिंग भी जानता? जाकर के स्टूडेंट्स को पूछो, लड़का लोगों को पूछो कि इसका क्या मीनिंग होता है। अब स्वामी के स्टूडेंट से बात करने की किसकी हिम्मत? ये वो सुना रही है, हमारी आंखों देखी बात नहीं है, ये वो हमें कहानी सुना रही। तो फिर उन्होंने कहा कि एक अनंतपुर की लड़की का भाई था, तो उस लड़की ने पूछा अपने भाई से कि स्वामी ने क्या ग्रेस के ऊपर कुछ बरांडे में कहा? तो ने कहा, अभी लास्ट वीक ही स्वामी ग्रेस के ऊपर बोल रहे थे और कह रहे थे ग्रेस का मतलब 3 जीरोस होता है। तो 3 जीरोस, फर्स्ट जीरो ये है कि तुम्हारे सगे संबंधी रिश्ते नाते अक्वेंटेंसेस सब तुमको छोड़ देंगे। सेकंड जीरो, तुम्हारी धन संपत्ति प्रॉपर्टी जितनी संपदा है सब तुमसे छिन जाएगी, सब तुम वो उससे भी तुम बिरेफ्ट हो जाओ। तीसरा जीरो ये है, तुम्हारी यश कीर्ति मान सम्मान सब खत्म हो जाए। जब सब तरफ से तुम बिरफ्ट होकर के 3 जीरो बन जाओगे और अपने साई के सामने खड़े होगे, तब तुम देखो साई का ग्रेस कैसा होता है, साई का ग्रेस कैसा होता है। अब उनकी वो तो कह के ये कहानी सुना के चली गई। हम अपने कमरे में आ गए और हम लोग बड़े थॉटफुल मूड में कि ये 3 जीरोस के लिए तो हम तैयार हैं कि भाई ये जीरोस हो गए तो क्या होगा, आर वी रेडी फॉर दिस, आई मीन दिस 3 जीरो। तो सुषमा, डॉक्टर सुषमा बोली कि नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी अटैच टू माई चिल्ड्रन, आई एम वेरी अटैच टू माई फैमिली, और मुझे अपनी रीजनेबल वेल्थ भी चाहिए और मुझे कंफर्ट भी चाहिए, मैं जीरो नहीं एक्सेप्ट करना चाहती। और सब लोग यही पर अब ये जानना चाहें कि भाई क्या स्वामी ने अपने बातचीत के दौरान में कभी क्या हमसे ये कहा कि तुम पर साई का बहुत ग्रेस होता? तो हमें याद नहीं कि स्वामी ने ऐसा कहा। उसी जमाने में एक किताब छपी थी, नारायण गुफा, बद्रीनाथ नारायण गुफा, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट हमको पढ़ने को मिली, जो स्वामी महेश्वरानंद जी ने लिखी थी। और स्वामी महेश्वरानंद जी जो थे वो मंदिर के पीछे, इस ब्लॉक के पीछे बैरक्स थे, उसमें एक कमरे में रहते थे। एक दिन हम महेश्वरानंद जी के पीछे पीछे चल दिए कि इनसे पूछेंगे कि ये सब एक मिथ है कि ये सब रियलिटी है, ऐसी कोई गुफा है भी? तो क्योंकि बिल्कुल फेरी टेल सा लगता था उसको पढ़ करके, तो उनका जो दरवाजा था वो आधा टूटा हुआ था और आधा बंद था। उसको खोल करके वो अंदर गए, उनके कमरे में एक तख्त था और एक कुर्सी थी, दैट वाज द टोटल फर्नीचर इन हिज रूम। अब वो अंदर घुसे तो हम दरवाजे पे खड़े, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अंदर आओ माँ, अंदर आओ। अब अंदर हम चले गए, चल के उन्होंने तख्त पे इशारा किया, बैठ जाओ। हम लोग बैठ गए। उस वक्त हम चार थे, मदर तो कमरे में रहती थी, ओल्ड थी, लेकिन मैं सत्या पट्टांगर दीदी, इंदु दीदी और सुषमा, हम चार लोग हर जगह भाग के जाते।
उन्होंने कहा कि तख्त पे बैठ गए, हम तख्त पे बैठ गए। हमने नारायण गुफा के बारे में पूछना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि वैसे तो स्वामी सबके ऊपर उनका बहुत लव होता है, वो तो दया और प्रेम मूर्ति हैं, उनके लिए कोई अंतर नहीं है, वो सब पे समान प्रेम और दया करते हैं, लेकिन जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है वो स्पेशल सोल्स होती है जिनको स्वामी अपने काम के लिए विशेष के लिए लाते हैं, उनकी लाइफ इजी नहीं होती। अब और भी घबरा गए कि भाई स्वामी ने हमसे कभी कहा तो नहीं कि तुम पर हमारी बड़ी प्रेस है। खैर वहां से हम निकल के आए और जी स्वामी ने बुला लिया और हम अंदर गए और स्वामी ने एज यूजुअल हमें अंदर करके और अंदर आए, दरवाजा बंद किया, अपनी खिड़की अपने कुर्सी पर जाके टर्न अराउंड स्टैंडिंग फेस्ड अस और दोनों हाथ अभय हस्त में उठा करके कहते पूरे तुम पूरे परिवार पर साईं का बहुत ग्रेस। सबके चेहरे गिर गए, किसी को खुशी नहीं हुई, सब घबरा गए कि हे भगवान अब क्या होगा। स्वामी ने कहा तो सब पे हमारा बड़ा ग्रेस होगा, क्या हमसे क्या छूटने वाला है, क्या छूटने वाला है। तो बड़ी परप्लेक्स वो हमारी मीटिंग स्वामी से रही। नीडलेस टू से कि हम चारों बहनों की लाइफ ऐसी थी कि हमारी लाइफ में बहुत परेशानी और हर किस्म का जीरो हमने फेस भी किया, लेकिन मजे की बात ये थी कि जितना जितना हम जीरो वो सिचुएशन फेस करते थे, स्वामी की जो पकड़ थी होल्ड ऑफ अस बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड ही वॉज शावरिंग अस विद सो मच लव कि अल्टीमेटली हार के हमने ये कहना शुरू किया, हमने कहा स्वामी ये सारे ट्रबल्स आर मोस्ट वेलकम बिकॉज वी आर डिराइविंग सो मच हैप्पीनेस, यू आर गिविंग अस सो मच लव, एवरीथिंग इज वर्थ इट, वी डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस बिजनेस एज लॉन्ग एज वी रिसीव योर ग्रेस एंड योर लव, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो और वो जीरोज जो है उसका फेज कैसे उन्होंने हाथ पकड़ के उसके थ्रू हमको निकाल दिया, हमको वक्त का गुजरना पता ही नहीं। टुडे आई फील सो ग्रेटफुल कि स्वामी ने हमको प्रैक्टिकल में दिखाया कि वो जीरोज कैसे होते हैं, जीरोज की सफरिंग कैसी होती है, लेकिन बैलेंस में जैसे कि वो तराजू होता है, एक तरफ वो सारे जीरोस और स्वामी वो सारी चीजें सफरिंग और दूसरी तरफ स्वामी का प्यार, एंड एवरी टाइम इट वाज स्वामी प्यार प्यार प्यार, हमें अपनी सफरिंग्स नजर ही नहीं आई, इतना प्यार होता था और हम हंसते ही रहते थे। कुडई कनाल में एक बार स्वामी ने कहा कि भटनागर लेडीज को देखो, always smiling faces, not castor oil faces, sign does not like castor oil faces, always smiling faces, kyunki hamare liye mahamantra kya tha, swami ne kaha be happy, to wo hamara dharm bhi ho gaya, wo hamara karm bhi ho gaya, ki hame swami ko hamesha happy face hi dikhana hai, smiling face dikhani hai, hame kisi bhi tarike se swami ke samne roni surat leke nahi jana hai, स्वामी को वो अच्छा लगता है, एंड दैट वॉज हाउ वी लिव सो मेनी इयर्स विद स्वामी। और स्वामी इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे कि जिसको वो जोड़ते जाते थे हमसे, उसको वो जितना जुड़ते थे उतना ही स्वामी को बहुत अच्छा लगता था। स्वामी ने मुझसे कहा आई वॉन्ट नो प्रेयर्स फ्रॉम यू, नॉट फॉर योर फादर, नॉट फॉर योर मदर, नॉट फॉर योर हस्बैंड, नॉट फॉर योर ब्रदर, नॉट फॉर योर सिस्टर, not for your son, not for your daughter, not for your friends, I don't want you to pray for anybody, I only want you to continuously say the prayer, us samay loka samasta sukhino bhavantu kaha jata tha, and he said this, I only want to hear loka samasta sukhino bhavantu. Ab hua ye ki Sushma ko severe heart attack pada, she was rushed to National Institute of Heart, वहां पर हमारे पास खबर आई, मेरे हस्बैंड बैंगलोर गए थे और मैं आई समहाउ
वुड नॉट गो बिकॉज आई रात के वक्त मेरे पास तो कोई ट्रांसपोर्ट था नहीं, तो मैं बस बैठ करके स्वामी के सामने लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, लोका समस्ता सुखिनो भवंतु करती रही। और लेकिन साथ में एक वो स्वामी, ये मुझे नहीं मालूम कि मैं लिप से लोका समस्ता सुखिनो कर रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में और हार्ट में तो सुषमा की कंडीशन है कि वो किसी तरह ठीक हो जाए। और फिर मैंने सुबह सुबह बैंगलोर फोन किया अपने हस्बैंड को, होटल में जिस होटल में वो ठहरे थे तो वो उनकी मीटिंग थी, तो उन्होंने एकदम फोन उठा के कहा कि कैसे फोन किया। मैंने कहा सुषमा को सिवियर हार्ट अटैक है और उसके क्रिटिकल है, शी इज नॉट एक्सपेक्ट सर्वाइव, तो आप प्लीज व्हाइट फील्ड चले जाइए, स्वामी को कहिए, यानी मैं बस निकल रहा हूँ व्हाइट फील्ड के लिए। तो ही लेफ्ट, और वो वहां पर, अब वो जिधर जा करके जितने लोग वहां थे वो उनको ऐसी जगह खड़ी करें कि स्वामी की नजर उनके ऊपर पड़े, लेकिन स्वामी उधर से नहीं निकले। अल्टीमेटली उन्होंने कल्याण मंडप पे जाके ऐसी जगह स्वामी की, मेरे हस्बैंड को खड़ा कर दिया कि निकलते वक्त स्वामी ने उनको पकड़ा और उनसे कहा अरे तुम कब आया। और हाँ, जिस तरह जिस स्वामी सिस्टर मालूम मालूम अभी वो ठीक है, बात खत्म हो गई। इधर हम किसी तरह अगले दिन ऑटो ऑटो लेकर के पहुंचे नेशनल इंस्टीट्यूट हार्ट में। अब वहां पहुंचे तो वहां तो पता चला कि जी फॉर सम मिनट्स द डॉक्टर्स हैड डिक्लेयर्ड हर डेड, और उसके बाद उसको पल्स आने लगी, तो जैसे उसको होश आया शी स्टार्टेड कॉलिंग आउट फॉर मी। अब डॉक्टर ने, उन्होंने नर्स ने आके पूछा कि उषा जी कौन है, उषा जी कौन है, वो बहुत एजिटेटेड है, वो आपको बुला रही है, आपको बुला रही है। खैर हम पहुंचे, अब वो तो रिकवरी रूम में भी नहीं थी, ओटी में ही थी, और हम वहां पहुंचे तो वो कहती है, और मुझे इतनी एक्साइटेड, मुंह उसका लाल हो रहा बिल्कुल जैसे चमक रहा है, और लग ही नहीं रहा था कि लड़की हार्ट अटैक से रिकवर की है, फ्रॉम डेथ रिकवर करी है। और वो कह रही है उषा जी बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, चारों तरफ स्वामी ही स्वामी थे, चारों तरफ स्वामी ही स्वामी थे, और आपको भी देखा और उनको भी देखा और उनको भी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। अब इतना सुन करके मैंने कहा तुम चुप हो जाओ, एक्साइटेड मत हो, और ये करके मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया कि बस ठीक है, बस आप जाइए। अब वो सर्वाइव कर गई। उस वक्त तो स्वामी ने बाद में बरामदे में कहा, तो उसने कहा थोड़ी देर के लिए शी वॉज डिक्लेयर्ड डेड, स्वामी ने कहा थोड़ी देर के लिए नहीं, शी वॉज गॉन फॉर फुल 11 मिनट्स। स्वामी ने उसको न्यू लाइफ दिया, न्यू बर्थ दिया। तो अब उसको तो पता नहीं कितने बार स्वामी, उसके कैंसर का भी ऑपरेशन स्वामी ने किया, शी वॉज अ क्लासिक मिरेकल केस। तो उसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी और स्वामी हर बार, और राइट टिल द एंड ऐसा होता नहीं था कि सुषमा की खबर स्वामी के पास पहुंचे और स्वामी तुरंत रिस्पॉन्ड न करे। वो एक बार उनके इंटरव्यू में बोली, उसकी बड़ी जल्दी लाइक अ चाइल्ड वो होती थी, तो किसी बात से वो नाराज थी और स्वामी पे ही बिगड़ पड़ी कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मैंने ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, फैमिली, यहाँ तक मैंने फैमिली बच्चों को भी छोड़ा। तो स्वामी लुक्ड एट हर एंड सेड सैक्रिफाइस हैज नो लिमिट्स अम्मा। उन्होंने कहा अब मुझे कहीं नहीं जाना है, अब मुझे यहीं रहना है। स्वामी बोले तुम और इधर रहेगा, स्वामी को पागल खाना खोलना पड़ेगा माँ। और फिर देन ही टर्न टुवर्ड्स ऑल ऑफ अस एंड सेड सब लोग इतना ऐसा पागल हो जाए तो संसार कितना सुंदर हो जाएगा माँ। सो दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट प्ले, टीचिंग, लव, हर जगह आते थे, कहते थे चेस्कू चेस्कू, लो चरण लो चरण लो, इधर से भागे उधर से भागे, कितना भागता कितना भागता, साई तुमको ढूंढता चरण लो। और हम सोचते अभी तो थोड़ी देर पहले चरण लिया था, ये नहीं मालूम था कि ये चरण इतने मुश्किल हो जाएंगे मिलने, लोग तरसेंगे इन चरण के स्पर्श के लिए, इतनी आसानी से मिलते थे और ऐसे रोप उठा उठा के चरण देते थे कि बस हम लोग
बता नहीं सकते कि कितना प्यार हम स्वामी से पाया, कितना प्यार पाया है। जितना हम जितनी बात करते हैं ना, उतना ही हमको लगता है कि क्या बताएं। अब जब हम गए, पहली बार गए, तो हमको ये लगा, जब वहां से चलने का दिन आया तो हमने कहा, ऐसी दर्शन लाइन में बैठे हुए, कि स्वामी जब आपने चित्रकूट से भरत को वापस अयोध्या भेजा था तो अपनी पादुका देकर के भेजा था। दैट वॉज द स्ट्रेंथ विच ही कैरीड बैक विथ हिम। अब तुम यहाँ से हमको वापस भेज रहे हो संसार में, लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई सहारा नहीं है, हम कैसे रहेंगे आपके बगैर वहां। तो स्वामी आए दर्शन पर, और जैसे हमारे पास आए और रुके नहीं, बस कुछ तेलुगु में बोलते हुए और निकल गए। तेलुगु में बोला या कुछ बोला, तो हमने अपने बराबर में बैठी हुई लेडी से बोला कि मुझे लग स्वामी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे। कहने कि मुझे भी बड़ा अजीब लगा, कुछ कह रहे थे मिस्टर भरत, मिस्टर भरत। रात में ड्रीम, उस रात में नहीं, सब्सिक्वेंटली रात में, एक रात में ड्रीम दिया उन्होंने कि हम अंदर के इंटरव्यू रूम में, मतलब इंटरव्यू रूम के अंदर एक और इंटरव्यू रूम था, तो बाहर से वो उठा करके अंदर भी जाते थे। तो अंदर इंटरव्यू रूम के में हम बैठे हैं, हम लोग का ग्रुप, और स्वामी कह रहे हैं, लो आई हैव समथिंग टू गिव यू। तो ऐसे करके मैं अपना पल्ला यूं खोल करके बैठ जाती हूँ उनके सामने, आंख बंद करके, कि दे दो स्वामी जो आपको देना है। तो उसमें बड़ी, जैसे कोई वजन गिरता है इस तरीके से उसमें वेट गिरा। और जब हमने आंख खोल करके देखी तो उसमें बहुत पुरानी पादुकाएं थी, लकड़ी की पादुकाएं थी, और इतनी ओल्ड लकड़ी थी कि वो बीच में से उसमें क्रैक भी था। तो मैंने स्वामी को देख के कहा कि स्वामी, तो स्वामी ने कहा हाँ। फिर थोड़े दिन बाद मेरे ब्रदर इन लॉ बैंगलोर से आए, तो वो चंदन की छोटी पादुकाएं लाए, 5 जोड़ी। तब तक मंजुल ने भी हमें ज्वाइन कर दिया था। 5 जोड़ी लेकर के आए कि तुम लोग स्वामी से ब्लेस करा लो, तो हम अपनी श्राइन में रखेंगे और करेंगे। तो सबने, सबकी पादुकाएं ब्लेस हो गई। जब हमने अपनी पादुका निकाली तो उसकी जो अंगूठा था वो मिसिंग था, दोनों पादुकाओं में। तो मैंने, स्वामी ने कहा ये कैसे माँ, ये तो नहीं चलेगा। अब मैं इतनी परेशान कि सबकी पादुकाएं ब्लेस हो गई, मेरे पास तो पादुका ही नहीं है। उन्होंने हंस के कहा, माँ साईं देता, माँ साईं, साईं देता। और वो मेटीरियलाइज करने लगे, तो मैंने फिर अपना आंख बंद करके पल्ला उनके सामने कर दिया। सडनली मेरे पल्ले में कुछ गिरा, और उसी वेट से जिस तरीके से ड्रीम में गिरा था, जब मैंने आंख खोल के देखी तो उसमें चरण थे छोटे। अब छोटे चरण थे, तो उन्होंने लिए अपने हाथ में, सबको पास अराउंड किया, सबने देखा और कहा इसको दे दो। मैंने कहा मुझे किसी के हाथ से नहीं चाहिए, मुझे आपके हाथ से चाहिए। तो उन्होंने चरण हाथ में लिए, फिर दिखाया, देखो माँ ये साईं के चरण है, और इसमें पीछे सारे नारायण के चिन्ह हैं। सब उन्होंने दिखाया, चक्र पद्म सब चीज। और फिर उन्होंने कहा कि पूजा अभिषेक वैसे करें, इसको समय हमेशा अपने हार्ट के पास रखो, हमेशा अपने साथ रखो। और वो तब से ये चरण मेरे हार्ट पे सीन में है बराबर। तो इस तरीके से ड्रीम क्या है, सच्चाई क्या है, जो मतलब वो ऐसे होती थी, इंडिकेशन पहले देते थे, होता था, और फिर एक नया हो जाता था। तो ये है, लेट मी शेयर अ वेरी अम्यूजिंग इंसिडेंट। कि स्वामी ने कहा कुरई का ना लाओ, साईं तुमको रूम देता वहां पर। तो हम लोग जी पहली बार गए कुरई कनाल, हमें कुरई कनाल का सिर पैर कुछ नहीं मालूम था। अंकल एक मीटिंग में, मेरे हस्बैंड डायरेक्टर थे चेन्नई में, उनसे उन्होंने कहा कि भाई हमें कुरई कनाल जाना है, तो हमारी टिकट्स बुक कर दीजिए। तो हमें, हम गए जी, अब वो ट्रेन पकड़ी, और वो वहां पे
स्टेशन था कौन सा अब याद नहीं है, लेकिन हम ट्रेन से वहां गए और वहां पर हमने एक वो थी जीप, वो ली स्टेशन वैगन किस किस्म की। अब उससे हम कोडाईकनाल चल दिए जी। सफर तो है ही बहुत खूबसूरत, इट इज अ हिल स्टेशन। वहां पहुंचे हम स्वामी के आश्रम के सामने, जाके गाड़ी खड़ी हो गई। 6 बज गए थे शाम के। अब शाम के 6 बज गए तो वो से दरवाजे बंद थे, दर्शन वर्शन खत्म हो गए थे। अब हम वहां सेवा दल है कि स्वामी को अंदर इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम लोग आ गए हैं। तो वो हमारी तरह बड़ी स्ट्रेंजली देखे कि स्वामी तो रिटायर कर गए हैं, अब तो वो कल आएंगे दर्शन, आप लोग कल सुबह आइए। नहीं, स्वामी ने कहा था कि वो हमारे रहने का इंतजाम करेंगे, तो पूछ लीजिए, हमारे रहने का कहीं इंतजाम जरूर होगा, आप स्वामी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम आए हैं। तो वो तो बेचारा ही थॉट वी गॉन मैड। उसने कहा कि अभी तो आप आज कहीं और रुक जाइए, कल सुबह जल्दी आ जाइएगा, फिर पता चल जाएगा कि क्या इंतजाम है आपका। तो अब हम चले। अब वो हमको कहने लगा कि एक रिसोर्ट नया खुला है, हम आपको वहां ले चलते हैं। तो हमने कहा चलो भाई, कुछ हमें कुछ अता पता कुछ मालूम नहीं था। अब हमने चलना शुरू किया, जंगल 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 इतनी दूर, और चलते गए चलते गए चलते गए। आखिरकार में एक वो रिसोर्ट मिला, तो वहां पर लाइट्स नहीं, तो अंधेरा। अब वो कहने लगा जी अभी ये शुरू ही हुआ है, तो कैंडल्स वैंडल्स लेकर के आके उन्होंने हमारे लिए 2 कमरे खोल दिए और हम उसमें टिक गए। ना खाने का कोई इंतजाम ना कुछ। तो उसने कहा कि ऐसा है कि थोड़े बॉयल्ड पोटेटोज रखे हम वो और ब्रेड ला देते हैं, आप लोग वो खा लीजिए। तो हम लोगों ने भाई वो ही खाया रात को, और सुबह जल्दी जाना था, उठ के सब लोग खड़े हो, लेकिन गर्म पानी कहाँ, बिजली नहीं तो गीजर क्या होगा, कुछ नहीं। ठंडे पानी से, इतने कड़क थी ठंडे पानी से, हमने किसी तरह अपने ऊपर दो दो मग डाले पानी के। और भाई बाहर सनराइज हो रहा था, और इतनी सुंदर सनराइज। हम लोग बाहर निकले तो मंजुल हमारी जो बहन है उनका एक बड़ा प्यारा गाना गाती है वो, ज्योति कलश झलके। और साहब उन्होंने वो ज्योति कलश झलके वहां गाया, और हम लोग तो वैसे ही आनंद में भर गए, पता ही नहीं चला कि हमारे पेट खाली है क्या। हम चल दिए वहां। अब रात को हुई बारिश, तो रास्ते में ट्री फॉल भी हुआ। हम डेटोर वगैरह लेते लेते जब तक पहुंचे वहां, दर्शन लाइन ऑलरेडी बंद चली गई थी अंदर। और उसने कहा हमने आपसे कहा था जल्दी आइए, और फिर भी आप लोगों ने देर कर दी, जल्दी चलिए जल्दी चलिए अंदर। तो सड़क पर ही उन्होंने पाथ पे हमको बैठा दिया, और हमारे हस्बैंड को ले गए जेंट साइड पर। उनको तो चेयर मिल गई, हम लोग तो जमीन पर पाथ पे बैठ गए। अब स्वामी निकल करके आए और सीधे हमारे हस्बैंड के पास बोले, आ गया दिल्ली अकेला आया है? तो स्वामी ने कहा नहीं, वो लोग भी है साथ, ओ गैंग को देखा उधर बैठा है। तो घूमते घामते स्वामी, अब सुषमा जो है वो बराबर एक प्रश्न लेके गई थी, स्वामी मिलेंगे तो उनसे ये पूछता है। लेकिन जब स्वामी सामने आकर के पूछा कि कैसा है, स्वामी हम इतनी दूर ठहरे हैं, इतनी दूर ठहरे हैं कि हम बता नहीं सकते हम कितनी दूर ठहरे हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम क्या पूछना चाह, क्या है? स्वामी हम बहुत दूर ठहरे बहुत। और हंस हंस के हम लोग पागल वहीं पर, वी वर गिगलिंग लाइक मैड, और स्वामी भी हंसे और कह कैसा कैसा बोलता, देखो कैसा बोलता करके चले गए। हस्बैंड को बुलाया अंदर इंटरव्यू पे, तो अक्सर फैमिली थी, मिस कुलवंत राय जी भी थे, तो सब। मेरे हस्बैंड से स्वामी बोले, अरे तुम आ गया तो कहाँ ठहरा है? कहने स्वामी बहुत दूर ठहरे। किधर ठहरा है? साउथ में ठहरा है? मालूम नहीं। स्वामी नॉर्थ में ठहरा है? वो मुझे नहीं मालूम। किधर ठहरा है? स्वामी कुछ नहीं मालूम। बहुत दूर ठहरा है, बहुत दूर ठहरा। स्वामी रात को बारिश हो गया, रास्ते में पेड़ भी गिर गया, इतना नेटवर्क करके आया, इतनी दूर इतना देर हो गया। अब स्वामी तो वॉज लाफिंग अवे लाइक एनीथिंग, देखो देखो कैसा बात करता है, कैसा बात करता है।
एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक अ चाइल्ड विथ रेड चीक्स एंड टीयर्स इन हिज आईज. स्वामी इतनी दूर ठहरा, इतनी दूर. सो खैर हम लोग बाहर निकल करके आए, थोड़ी देर स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के जो थे वहां पर बैंक मैनेजर, वो आए. उन्होंने कहा स्वामी ने मत भेजा है आप लोगों के लिए, मुझे रेजिडेंस का वो इंतजाम रहने के लिए करना है, मैंने एक जगह का पता लगाया ढूंढा है तो मैं आपको वहां ले चलता हूँ. अब हम लोग वहां चले गए. अब वहां चले गए तो वो वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन्स में हमारी मदर तो बहुत खुश हो गई, वो तो कृष्ण भक्त थी, झूला भी पड़ा था वो तो उसी झूले में बैठ गई. अब हम अंदर गए तो एक छोटा सा कमरा था, उसमें एक डबल बेड था तो, और बस इतनी जगह थी नैरो की, एक बेड साइड कारपेट पड़ा हुआ. तो अब हमारी मदर और मंजुल तो उस बेड पर आ गई और कारपेट पे मेरे हस्बैंड चले गए. दूसरा एक बड़ा कमरा था जो शायद कभी उनका किचन होता होगा, तो चूल्हों के ऊपर उन्होंने लिंटल डाल के प्लास्टर कर दिया था. तो वो उस पर अगर आप लेटिए तो आप सिर्फ बैठ सकते हैं और लेट सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते. अगर आपने खड़े होने की कोशिश करी तो आपका सर छत से टकराएगा. अब उस प्लेटफॉर्म पर सुषमा, सत्या भाभी जी, इंदु दीदी, मैं, चार लोग, और नीचे बाथरूम के सामने जो कारपेट उस पे इंदु दीदी की बेटी सोनिया, सुषमा की बेटी गुड्डन. तो उस कमरे में हम लोग छह लोग, और हमारी हंसी नहीं रुकती थी और हम बता नहीं सकते कि हमने वृंदावन गार्डन्स को कितना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, इतना आनंद वहां लिया. कुडई कनाल का सारा आनंद हमें वहां पर भगवान ने दे दिया. तो ये हम आपके साथ, भगवान के साथ अपनी जो खेल कूद में सीखना और प्रयाण पाना का हमारे एक्सपीरियंसेस थोड़े बहुत जो हैं, वैसे तो इतने 90 साल के एक्सपीरियंस कितने 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 हैं, लेकिन ये थोड़े से मैं आपके साथ शेयर.